बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी एडवांस और पीएचपी एडवांस के अंदर लारावेल, और लारावेल के अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम कंट्रोलर्स बना चुके हैं। अब कंट्रोलर्स के हमने अभी जो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है वो है राउट्स। अब अगर आपने ऑलरेडी पहले कोऑर्डिनेटर पढ़ा हुआ है तो अब आपको यानी कि राउट्स का पता है, अब आप लोगों को राउट्स का पता है, राउट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत नो हाउ है कि भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के अंदर भी हम कंट्रोलर्स के राउट्स बनाते थे और उनको डायरेक्ट उस नाम से कॉल करते थे। यहाँ पे भी वही रूल है, एक राउट बनता है, उस राउट को हम अपना कोई नाम देते हैं और फिर वो राउट उसी नाम से कॉल होता है हमारे पास, ठीक है। मगर यहाँ पे हमारे पास राउट्स नाम की फाइल कहाँ मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास राउट्स नाम की फाइल मौजूद होती है। राउट्स नाम का पूरा फोल्डर है हमारे पास अलग से, ये मैं नीचे दिखाता हूँ आप लोगों को, ये मैं माइग्रेशन बंद कर देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस बंद कर दिया। राउट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास web.php नाम की जो फाइल होती है इसके अंदर हमारे पास राउट्स बनते हैं। web.php नाम की फाइल के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, राउट्स बनते हैं। ये मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर का राउट बना हुआ है, ये कौन है, ये हमारा लॉगिन वाला, जब लॉगिन करके हम होम खोलेगा हमारा, ये वो है भाई। एक राउट बनाने का तरीका ये है कि भाई आपने इस तरह से उसको लिंक को नाम दे दिया, कंट्रोलर कॉल कर दिया। इस ये जो तरीका है इससे आप एक एक फंक्शन अलग अलग से बनाते हो, हर एक फंक्शन का अलग से राउट बनेगा। अब जैसे कि मेरे पास इस वक्त 5 कंट्रोलर्स हैं और हर कंट्रोलर के अंदर तकरीबन मेरे पास 5 फंक्शंस हैं, तो कितने सारे राउट्स बन गए मेरे पास, मसला है ना। पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो कंट्रोलर बना है वो रिसोर्स वाला बनाया है, तो अब हमारे पास ये ज्यादा ईजी हो गया, ये ज्यादा ईजी हो गया हमारे पास। यहाँ पे लारावेल के अंदर राउट्स गेट पोस्ट एंड रिसोर्स के नाम से फंक्शन से बनते हैं, ठीक है। गेट से क्या होगा भाई, अगर कोई डेटा गेट फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे उसका राउट भी गेट में बनेगा, अगर कोई डेटा पोस्ट फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे उसका राउट भी पोस्ट में बनेगा, कुछ इस तरह से हमारे पास रूल्स है। अब मैंने कंट्रोलर के इस नाम से बनाया, रिसोर्स का रूट रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने वो नाम देना है जिस नाम से जो आप अपनी यूआरएल को नाम देना चाह रहे हो भाई, कंपनीज, ठीक है। एंड कंट्रोलर का नाम क्या है मेरा, कंपनीज कंट्रोल, सिंपल, बस राउट बन गया, राउट बन गया सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास ये कंट्रोलर्स, ये क्या है, कंट्रोलर्स हैं। होम का तो वैसे ही बना हुआ है, ये होम कंट्रोलर, बाकी को तो हमने छेड़ना है नहीं, ठीक है। इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कुछ कंट्रोल बना लिया, ठीक है भाई। ये सेकेंड राउट प्रोजेक्ट्स का, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, सॉरी प्रोजेक्ट्स कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद मैंने राउट बना दिया किसका, टास्क कंट्रोलर, ठीक। उसके बाद मैंने राउट बना दिया किसका, कमेंट्स का, कमेंट्स कंट्रोलर। उसके बाद मैंने राउट बना दिया किसका, यूजर का, यूजर्स कंट्रोलर, ठीक है, क्लियर। इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, उसके बाद लास्ट में एक रहेगा रोल वाला, तो मैं रोल का रोल और यूजर सिंगल है, ओके। मैंने सबके क्या बना दिए, राउट्स बना दिए हमारे पास लारावेल के अंदर। ये चीज अब ज्यादा यानी कि अच्छी है और खूबसूरत तरीके से ये चीज काम करती है। देखें, मुझे वैसे अगर मैं हर कंट्रोलर का अलग अलग से, उसकी हर एक फंक्शन का अगर अलग अलग से मैं राउट बनाता तो मुझे कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती और ये कोड भी बड़ा होता जाता। देखें, रिसोर्सेज की वजह से हम इस झंझट से बच गए, रिसोर्सेज की वजह से हम इस झंझट से बच गए, और ये खासियत हमें लारावेल प्रोवाइड कर रहा है। ये खासियत हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, लारावेल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास वैसे अगर देखा जाए एंगुलर जेएस और नॉट जेएस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से काम होता है, ठीक है। अगर आप एंगुलर रेट के अंदर काम करो, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास, ठीक है, अगर उसके अंदर आप, वैसे तो काफी अब वर्जन नए आ चुके हैं, तो उनके अंदर हमारे पास इसी तरह से यानी कि हर काम जो है वो होता है हमारा आर्टिसन की मदद से। वहां पे CLI कहलाते हैं हमारे पास लारावेल के अंदर, इस चीज को आर्टिसन कहते हैं। वहां पे CLI होता है वो, जो कि नॉट
के मदद से काम करते हैं, सारे गिट और नोड की जरूरत होती है वहां पे। अगर वो एक अलग ही टॉपिक है, अगर उसके अंदर हम जाएंगे तो वो पूरा एक अलग से जैसे लेक्चर देना पड़ेगा पूरा मेरा मैंने तो। वो इंशाल्लाह अगर कभी इन फ्यूचर हम एंगुलर पढ़े तो उस चीज को हम देख लेंगे, ठीक है। तो भाई देखें, यानी कि अलग अलग से फंक्शन के राउट बनाने के बजाय ये चीज हमारे पास ज्यादा बेहतर होगी। इससे क्या होगा, रिसोर्सेस खुद ही देख लेंगे कि कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, रिसोर्सेस खुद ही इस चीज को कंट्रोल कर लेगा कि कौन सा डेटा किस फंक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम उस चीज को देख भी लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन किसी भी किस्म का? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।